ये एकदम बेकार है, एकदम घटिया है, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम पीस ऑफ शिट है। सही बता रहा हूँ, इससे बेकार कुछ भी नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस इसे एकदम ही घटिया, एंड स्टोरी लाइन के अंदर तो भाई बिल्कुल भी दम नहीं है। ओके, तो ये था फर्जी का फर्जी रिव्यू। अब हम आ जाते हैं असली रिव्यू के ऊपर। असली रिव्यू की बात करी जाए तो भाई फर्जी ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम परफेक्ट शो है टाइम पास वगैरह के हिसाब से, एंड ओवरऑल देखा जाए तो भाई काफ़ी हद तक इन्जॉएबल है। एंड इसके अंदर भाई जो मेन फोकस होता है वो होता है एक्ट्रेस के ऊपर। एक्टर की बात करी जाए तो भाई शाहिद कपूर ने एज ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है। हालांकि एट टाइम तो फील हो रहे थे कि भाई वो बत्ती मीटर चालू वाला ही मोड उनका ऑन है, बट इट वॉज क्वाइट इंजॉयबल। उसके अलावा इसके अंदर भाई विजय सेतुपति भी थे, जिनका काम भाई फैंटास्टिक था। सही बता रहा हूँ, इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है भाई। मतलब कसम से अगर ये बंदा किसी को सामने उठ के गाली भी दे देना तो कोई भी मना नहीं करेगा, लाइक इतना ज्यादा प्यारा और इतनी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन। उसके अलावा भाई इसके अंदर के मैनन भी थे, एंड के मैनन का कमाल भाई इतना ज्यादा चुम्मा था ना जिसकी कोई हद नहीं है। लाइक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई बंदा आखिर क्या एक्सप्रेशन जो है वो दिखाना चाह रहा है। उसके अलावा इसके अंदर राशि खन्ना भी है, जिन्हें देख के भाई दिल के अंदर बस एक ही फीलिंग आती है, कितनी औसम है। उसके अलावा भाई बाकी जितने भी एक्ट्रेस हैं उन सब ने अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कराया है। उसके अलावा भाई इसके अंदर की जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर भी भाई काफ़ी ही ज़्यादा दम है। लाइक एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर सुन लेते हैं कभी ना कभी कि भाई फेक नोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं, बट इसके बारे में ऐसी कोई सीरीज़ मेरे को इंडिया के हिसाब से तो कोई भी याद नहीं आ रही है। तो मैं अगर कोई याद आ रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एंड हाँ, एक्टर वाले पॉइंट के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड अप करना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर कैमियोज भी भर भर के हैं। एंड व्हेन आई मीन भर भर के, आई लिटरली मीन भर भर के हैं। लाइक स्पेशली एपिसोड नंबर 4 and 5 के अंदर भाई दो कैमियोस, एंड 5 के अंदर भाई दो कैमियोस। हालांकि 5 के अंदर जो एक कैमियो था वो वॉइस ओवर था, लेकिन भाई वॉइस ही काफ़ी थी बताने के लिए कि भाई कौन आने वाला है। पब्लिक जानती भी है, जिन्होंने देखा है भाई वो तो पगला ही गए होंगे। उन सारी चीज़ों को सेट करते हुए भाई बात करते हैं इसके अंदर के एक्शन की। तो अगर भाई बात करी जाए एक्शन की तो राज एनडीके के हिसाब से भाई एक्शन का स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, बट भाई इसके अंदर वो वाली जो बात है वो आई नहीं, सच बताओ तो, इन द एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली। एंड भाई अगर एक मेन नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए ना तो भाई वो होगी इसके अंदर की लेंथ। अब देखो ये इसके अंदर सिर्फ सिर्फ 8 एपिसोड है, लेकिन भाई वो 8 एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास के हैं, जो कि भाई इसे काफ़ी ही ज़्यादा लंबा बना देता है सच बताओ तो, क्योंकि एक फटीक आने लगता है कि भाई एपिसोड अभी तक खत्म नहीं हुआ। एंड सेकंडली भाई उसके अंदर कुछ ऐसे मोमेंट है जो हल्के बहुत डल हो जाते हैं, लेकिन भाई ओवरऑल इसकी जो फील है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो भाई इसे डेफिनेटली एक चांस दे सकते हो, और अगर तुमने देख लेते हो तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता सकते हो। भाई टिल देन थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।